नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आए हैं, आपको रेक्टेंगल आपने सुना होगा, उसका एरिया किस तरह से निकाला जाता है, ये आपको सी प्रोग्रामिंग में आज हम दिखाएंगे। ये आप प्रोग्राम देख सकते हैं हमारी वेबसाइट से जाके, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन सी लैंग्वेज। एरिया कैसे निकाला जाता है रेक्टेंगल का, दोस्तों ये आप यहाँ से इसको पढ़ भी सकते हैं, ये जो लिखा है इसका एक्सप्लेनेशन, और ये कोड जो है हम इसको यहाँ से कॉपी कर रहे हैं। और कॉपी करने के बाद चलते हैं हमारे कोड ब्लॉक पर, और कोड ब्लॉक पर आने के बाद यहाँ हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ये हमने पेस्ट कर दिया है दोस्तों। अब मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, वेरिएबल के जो टाइप होते हैं दोस्तों, उसमें अभी तक हमने जो प्रोग्राम बनाया उसमें हमको इंटीजर और कैरेक्टर की ही ज़रूरत पड़ी, लेकिन अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो है आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, एक हमने डेटा टाइप लिया है फ्लोट टाइप का। फ्लोट क्या करता है दोस्तों, जितनी भी दशमलव वैल्यू होती हैं, मतलब जितनी भी हम कहते हैं कि जो डेसिमल के बाद, मान लीजिए मैंने लिखा है 10, अब इसके बाद मैं जो लिख रहा हूँ डॉट, और फिर मैंने लिखा है ये 93। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं इसके, इसमें ये जो वैल्यू आपको दिख रही है डॉट के बाद, इसको भी शो करने के लिए, दिखाने के लिए हमें फ्लोट डेटा टाइप का इस्तेमाल करना पड़ता है, इस तरीके की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हमने इसको क्यों लिया है, क्योंकि जब हम एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का, तो हमें ज़रूरत होती है दोस्तों दो चीज़ों की, एक तो हमारे पास लेंथ होनी चाहिए, तो हमने वेरिएबल ले लिया लेंथ, एक विड्थ होनी चाहिए, हमने विड्थ ले लिया, एक हमने वेरिएबल लिया है एरिया, जिसके अंदर हम इन दोनों की वैल्यू को जो है दोस्तों स्टोर करने वाले हैं। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे, और देखने के बाद मैं आपको मतलब कि ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले हमने लिखा एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो इस लेंथ वेरिएबल के अंदर हमने लेंथ को क्या कर दिया है, स्टोर कर दिया है। लेट से लेंथ हमने ली है 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। एज इट इज हमने विड्थ ली है, तो एंटर द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, तो यहाँ पर विड्थ आ जाएगी। लेंथ और विड्थ आने के बाद अब हमारा तीसरा काम बनता है कि हम एक एरिया नाम का वेरिएबल लें, जो कि आपको ये दिख रहा है, और एरिया नाम के वेरिएबल में हमने लेंथ इंटू विड्थ जो है यहीं पर लिख दिया है। जैसे ही दोस्तों हमने ये लिखा लेंथ इंटू विड्थ, ये कैलकुलेट होके इस एरिया के अंदर आ जाएगी। देन हमने करना क्या है, हमने प्रिंट करा देना है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज परसेंटेज 0.2 FE। इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे आप परसेंट डी लिखते हैं किसी भी इंटीजर टाइप को लिखने के लिए, आपने देखा होगा परसेंटेज डी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख रहे होंगे परसेंटेज 2F का इस्तेमाल आप देख रहे हैं, और ये 2F जो है ये आपके फ्लोट जो आपने वेरिएबल टाइप लिया है, डेटा टाइप लिया है, उसको प्रिंट करने के लिए है। इसके बाद हमने स्लैश n लगा दिया है, ये लाइन चेंज करेगा, और एरिया क्योंकि इसके अंदर लेंथ और विड्थ जो है दोस्तों कैलकुलेट होकर आई है। आइए मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं इसको आपको रन करके दिखाऊँगा, आपको और भी बेहतर समझ आएगा। ये कंसोल विंडो आ गई है, और ये कंसोल विंडो आने के बाद देखिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले मांग रहा है एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ये तीसरे नंबर की चौथे नंबर की लाइन चली, एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, मैंने यहाँ 5 दे दिया है, मैं एंटर करूँगा, ये लेंथ के अंदर सेव हो गया है 5। इसके बाद मैंने विड्थ लिया, एंटर द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ये मांग रहा है, ये मान लीजिए मैंने दे दिया 7। जैसे ही हम 7 देंगे तो ये 7 इस विड्थ के अंदर आ जाएगा। अब ये लेंथ और विड्थ मतलब कि 5 × 7 उठकर जो भी कैलकुलेशन आएगा 35, वो एरिया के अंदर आने वाला है। तो मैंने एंटर किया, देखिए द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 35, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, ये 35 जो है दोस्तों यहाँ पर आ गया है, और ये हमने जो है एरिया यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। मैं आपको एक बार और रन करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए हमने वैल्यू ले ली है, इसके बाद हमने नेक्स्ट वैल्यू ली। अब आप ध्यान से देखें दोस्तों, इस बार मैंने जो है दशमलव वाली वैल्यू ली, जिसको हम फ्लोट कहते हैं, ये मैं आपको एक बार फिर से हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं 45.6, 34.8, ये क्योंकि ये जो फ्लोट हमने वेरिएबल लिया था, तो जब दशमलव की वैल्यू ली तो कैलकुलेशन भी जो है दशमलव में आया। और दोस्तों जब एरिया की बात होती है, चाहे हम रेक्टेंगल का निकालें, ट्रायंगल का निकालें,
और किसी भी उस मैथमेटिकल फॉर्म का, उसमें कैलकुलेशन का एक एक पॉइंटर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये वैल्यू हमें फ्लोट ही लेनी होगी। तो दोस्तों ये एक बहुत ही सिंपल सा सिंपलेस्ट ऑफ प्रोग्राम था एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा, जितने भी बिगनर्स हैं उन्हें समझ आया होगा। आप इसको कहीं नोट डाउन करिए, फिर इसको अपने मोबाइल एप्लीकेशन जो भी सी लैंग्वेज के लिए बने हैं उन पर रन कराइए। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।